सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के शक्ति फार्म आजाद वार्ड नंबर 1 में नगर पंचायत के सभासद विक्रम सिंह भंडारी व कार्तिक सुतार सभासद पति मुकुल द्वारा नवनिर्मित मंडी के निकट बन रही सड़क में स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि मार्ग में स्पीड ब्रेकर न होने के कारण अनियंत्रित वाहन चलाए जा रहे हैं, जिससे आबादी वाले क्षेत्र में दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिस पर सभासदों द्वारा तत्काल संबंधित विभाग से बातचीत कर समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया गया। फिलहाल खुद सभासदों द्वारा क्षेत्रवासियों की एक अन्य समस्या का फावड़ा व तसला लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई। सभासदों ने कहा कि फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है और जल्द ही विभाग द्वारा पक्की व्यवस्था कर दी जाएगी। इस दौरान सभासदों का क्षेत्र की जनता ने हार्दिक आभार व धन्यवाद प्रकट किया। आश्वासन ये दिया कि बना देंगे, पीडब्ल्यूडी से बात करेंगे, बात करके तीन जो ब्रेकल गाँव के उस तरफ एक और इस तरफ एक और बीच में एक, तीन ब्रेकल की मांग की है गाँव वालों ने और ठेकेदार ने बोला, आश्वासन दिए कि हाँ बना देंगे। और ये जो है ठेकेदार के ऊपर ही है, ठेकेदार पीडब्ल्यूडी से बात करेंगे। और ब्रेकल का अति आवश्यक है, एक्सीडेंट होने का, बच्चे जो है खेलते हैं एकदम से घर से निकल के बाहर आते हैं, हो सकता है एक्सीडेंट अगर हो गया तो ना कोई बचेगा और गाड़ी वाला भी नहीं बचेगा। सबसे पहले मैं सितारगंज टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो ये रोड सितारगंज मेन रोड से लेके और ग्रीन बोर्ड पब्लिक स्कूल होते हुए जो रोड ये बनाई जा रही है पीडब्ल्यूडी द्वारा, इसमें हमने अभी, मेरे साथ यहाँ मौजूद है हमारे नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के सभासद कार्तिक सुतार जी, वार्ड नंबर 3 के सभासद विक्रम भंडारी जी। हमें ब्रेकर की ज़रूरत है क्योंकि ये रोड जो है हकीकत में देखा जाए तो गांव वाले मतलब मोहल्ले के बीच में से रोड होके निकल रही है, तो यहाँ से मोटरसाइकिल बच्चे बहुत तेज़ी से चलाते हैं और जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है हमेशा। तो हमें पीडब्ल्यूडी से बात की और ठेकेदार से बात किया तो उन्होंने हमें आश्वासन ये दिया है कि इसमें 2-4 ब्रेकर बना दिया जाएगा। जो ये रोड बन रही है इसमें बहुत ही रोड ख़राब हो चुकी थी ये, तो हमने विधायक जी के पास हम लोग गए थे तो विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपका ये रोड जल्द से बना दिया जाएगा। तो मैं विधायक जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय सौरभ बोगरा की अथक प्रयास से ये रोड आज जो है ये रोड बन पा रहा है। मैं विधायक जी को बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह रोड काफ़ी वर्षों से ख़राब थी, मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ जिनके द्वारा ये रोड स्वीकृत की गई है, इस पर एक कार्य चल रहा है। वार्ड वासियों का कहना था कि कहीं कहीं थोड़ा सा काम में अनियमितता पाई गई है, उसको वहाँ आके हमने अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि काम सही अनुसार हो ताकि किसी को कोई रोडों में कोई समस्या ना हो।